ये भी हमने नया ही फर्स्ट पीस बनाया है। ठीक है बताइए। ये ऑनलाइन बड़ा मतलब आजकल डिमांडिंग पॉपुलर डिज़ाइन है, तो उसको हमने एक थोड़ा सा रेप्लिका उसका बनाने की कोशिश करी है अच्छा एल शेप में ऐसा। इसका साइज 9x7 है, जो इसकी सिटिंग है 32 डेंसिटी की, स्प्रिंग वेल लगी हुई है इसमें अच्छा फॉर्म। स्प्रिंगवेल 32 डेंसिटी हाँ जी वो हाँ जी ब्रांड है। अच्छा हाँ जी। और स्वेट फैब्रिक लगा हुआ है सर, बट स्वेट की क्वालिटी बहुत प्रीमियम लगी हुई है। और ये पूरा सेट विद टेबल एंड 2 पफीज आता है। और ये नहीं है कि आपको सेम डायमेंशंस मिले, आपको अपने घर आपके घर के हिसाब से आपको साइज मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा। कैसा भी आप कस्टमाइज करना चाहते हैं वैसे कस्टमाइज हो जाएगा, और कोई आप अपना डिज़ाइन भी लेकर आते हैं तो हम वो भी बनाते हैं, क्योंकि हम एल शेप में निकाला है एक इकोनॉमिकल रेंज में, अच्छा बट फिनिशिंग एंड एवरीथिंग एंड फैब्रिक आप सब चीज़ें थोड़ा पास से देखिए, जरूर जरूर। ये सारे एरिया जो है ये सब फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, अच्छा ये फैब्रिक है, ये ये फैब्रिक है सर, मैं मेटल समझ रहा हूँ यार, आपके मेटल तरह है। आके मैं ना बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। अब दूर से देखो कोई कह ही नहीं सकता फैब्रिक है ये गोल्डन, पर पास से देखिए ये फैब्रिक, पास से सर भी नहीं पता लग फैब्रिक रहा, आप लगाओगे तो ये 100% यहाँ पर सलवटें रिंकल्स आएंगी, आती है। रिंकल्स हाँ आएंगे आएंगी, हाँ मैं इसमें वही कुछ कह रहा नहीं। हूँ कि अगर किसी ने बोल दिया ना, बता दिया ना देख कर कि ये फैब्रिक लगा, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, साफ बोल रहा हूँ। ये नहीं लग रहा, पूरा एसएस लग रहा है ये पूरा। इसमें सर दोनों साइड आर्म्स है, इसका साइज भी 9x7 है, इसमें एक चेयर एक्स्ट्रा है, आप इसको इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, ये फ्री साइज सोफा है, अगर आपको अच्छा रेडीमेड एज इट इज चाहिए तो कैसे भी कस्टमाइज करा सकते हो। प्लस जो लास्ट सोफा देखा था वो आपने एल शेप देखे थे, ये हाँ कॉर्नर सेट है, अच्छा कॉर्नर ये है कॉर्नर सेट है, इसमें तो आधी सीट बढ़ जाती है बट आपको क्या सिटिंग मिल जाती मिल है। जाती है बीच में, एक बार हाँ बैठ जी के दिखाइए एक बार कि पता है ये सर, ये प्रैक्टिकल है स्पेस है कॉर्नर। यहाँ पर, अच्छा स्पेस है, मतलब हाँ जब आप देख लेग स्पेस सकते मिल हो, जाता है, लेग आराम से स्पेस बैठ अच्छा जाएगा मिल जाता बंदा। है। हाँ जी तो इसके लेग्स भी मैंने, जैसे ऑप्शंस की बात करते हैं, लेग्स हाँ की ये अलग है, यस ये सर, वाला अलग है, वो अलग ये था, अलग है। और यहाँ कुछ और ही अलग है, मतलब ऑप्शंस काफ़ी है हाँ लेग्स जी के हाँ यहाँ जी, पे। ठीक है तो ये सिंपल एंड डिसेंट। इसमें हमने एल शेप सोफा प्लस डिवाइडर बनाया है और टेबल बनाई है, उस लास्ट वाले में पफी थी, हाँ इसमें ये एक डिवाइडर का ऑप्शन दिया हमने। ठीक है, ये डिवाइडर आ गया, हाँ बहुत जी अच्छा। इसका स्टिचिंग वर्क देख सकते हैं, क्या बात है। बड़ा लिमिटेड काम करा रखा है सर, और कोशिश कर रखी है बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। इसका साइज भी 9x7 है, हाँ ठीक है ना, वही 32 डेंसिटी स्प्रिंग वेल लगी हुई है स्प्रिंग इसके वेल। अंदर, हाँ और SS के लेग्स लगे हुए हैं, नॉन शेडेड स्वेड फैब्रिक है आजकल जो ट्रेंडिंग में है। ठीक है, बहुत अच्छा डिजाइन लग रहा है, बहुत सिंपल। ये सर 3-2 में है सोफा अभी, हाँ और ये कलर भी बड़ा इन है आजकल, हमने सेम कलर की फैब्रिक, सेम फैब्रिक में कुशंस बनवाए हैं इसके, लेग्स भी डिफरेंट है इसके सर जी बाकियों से। ये क्वालिटी बता दीजिए स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रक्चर सर इसमें मरंडी का फ्रेम होता है, हाँ 2x1.5 की लकड़ी लगी हुई है उसके अंदर, 32 डेंसिटी की फॉर्म लगी हुई है। अगर आप 32 डेंसिटी की जगह 40 कराते हो ना सर, मतलब काफी जगह आप देखते होगे तो 40 डेंसिटी बताते हैं, बट हाँ आप ना 40 में कुछ कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसमें कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हाँ हाँ समझ तो गया। मतलब अगर आपको कंफर्टेबल सोफा चाहिए तो आई थिंक 32 इज बेस्ट। ठीक है अब एक चलने सर वाला। ये डिजाइन है सॉफ्ट में, हाँ ये स्लीक में सोफा है, बट इसका कंफर्ट अगर आप बैठेंगे तो मतलब नो डाउट नेक्स्ट लेवल है, इसका स्लीक एंड कंफर्ट। तो कौन सी गद्दी लगी है इसमें फिर? इसमें सर पीयू फॉर्म लगी हुई अच्छा है, पीयू की तो बात ही अलग है। हाँ, और पर पीयू भी अच्छी क्वालिटी की लगा रखी है हमने ठीक है तो, और पीछे पॉलीफिल भी जो भरी हुई है बड़ी नीट एंड क्लीन तरीके से भरी हुई है, स्टिचिंग वर्क भी बड़ा साफ सुथरा है। प्लस इसके अंदर जो अगर आप बैक देखोगे, अच्छा बैक पे भी पूरा काम है इसके अंदर। ठीक है, वही जो आर्म्स पे वो बैक पे हाँ काम जी है। हाँ जी और आपने काम दिखाया, मैं पहले ही बोल दूँ कि कभी भी मार्केट में सोफा लेने जाते हो ये सेम डिज़ाइन, तो उसकी ये साइड देख लेना, बहुत कम आपको साफ सर, देखने आप के लिए मिलेगी। पुश करके देखो इसके अंदर, मतलब ऐसा हाँ नहीं कुछ हाथ मारा हाँ और अंदर हो गया, बस ये चीज है, यहाँ लोग स्ट्राइप लगाते हैं, पूरा फ्रेम बना रखा है हमने हाँ इसका, बहुत अच्छा, कोई पत्ती नहीं है, ये पूरा बार है एक और ये कैसे भी आप कस्टमाइज करा सकते हो इसको, गोल्डन, रोज गोल्ड और सिल्वर, तीन सिल्वर, ऑप्शन है तीन इसके अंदर। ऑप्शन मिलते। ये अच्छा सोफा है, हाँ अच्छा ये वाला, ये तो ये आउटस्टैंडिंग हमने है। लास्ट टाइम भी दिखाया था, बट हाँ ये हमारा, ये तो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, वन ऑफ द हॉट है सेलिंग सर, प्रोडक्ट। है देखने से पसंद आ हाँ जाता है। जी, अब क्या है, ये सोफा जब हमने सर लास्ट टाइम बनाया था तो अब देखो बड़ी कॉमन सी बात है, कोई भी आप भी शूट करते हो काफी जगह, हाँ हर चीज हर जगह रिपीट हो ही जाती है, होते होते सबकी हैं। अपनी क्वालिटी, सबकी अपनी रेंज है। अब हाँ काफी लोगों ने मतलब सेम कंट्रास्ट सेम कॉम्बिनेशन में बना दिया, तो वो 6,000 7,000 रुपये सीट बना दिया उसको, और बट आपने कभी भी देखते हैं ना मार्केट में, उसकी ना फिनिशिंग चेक कर लेना, उसके कुशन चेक कर लेना एक बार, क्योंकि मैंने बहुत देखे इसमें सर पीछे भी देखोगे ना सर, अब ये देखो आप, आओ ये मैं स्केट करके दिखा रहा हूँ, ये बैक पूरा सेम। माल लगा हुआ है सर, मतलब मैं इसको हिट भी कर रहा हूँ ना हाँ तो ये पूरा टाइट है, यहाँ पर प्लाई लगी हुई है, मतलब प्लाई, मतलब प्लाई, ऐसा नहीं MDF लगा दिया हमने 2 सूत का और बंद कर दिया उसको। मैं और कह ये सब चीजें ना आप हमारी मतलब ओपन है पूरा, आप हमारी फैक्ट्री में आकर बैठो, आकर सारा सिस्टम देखो, हाँ हमें कभी मौका मिल नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम आपको फैक्ट्री विजिट कराएंगे हमारी, तो हाँ मतलब पूरा आपको क्लियर सामने देख सकते हो, काफी कस्टमर्स आते हैं उनके सामने फ्रेम बनवाते हैं उनका, ठीक है, तो वो उसी हिसाब से चीज है ये। ये बहुत अच्छा डिज़ाइन है, बहुत अच्छा। एक सर ये मॉडल देखिए अब आप, ये ना इंटरनेशनल लेवल का डिज़ाइन है, पर
पर आज जो बना हुआ है ना, जो हाँ फिनिशिंग जी, अपना वही इंटरनेशनल लेवल का लग रहा पूरा बना ये हुआ। इसमें हमने आर्म्स वगैरह भी सर बना रखे हैं ना, जो लोग काफी स्ट्रेट बनाते हैं, हाँ सबके अपने मॉडल है। हमारा ये भी टेपर जा रहा है, जी। अच्छा ये भी टेपर जा रहा है, ये मैंने गौर नहीं। टेपर है अच्छा सर, हाँ, बाहर की टेपर है तरफ सर, जा रहा है ये, देखिए स्लोप है टेपर। ये। हाँ स्लोप, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, मैंने प्लस इसके अंदर ये भी सारा पाइपिंग जो है फैब्रिकेटेड है ये। ठीक है। तो यहाँ से कॉस्ट कटिंग करी जाती है कि हाँ जी, हाँ जी, आपको लगे कि मेटल है पर मेटल नहीं है, फैब्रिक है, उससे आपको थोड़ा कम प्राइस में मिले। हाँ जी, बताइए हाँ जी, हाँ जी। इसके बारे में थोड़ा। ये सर 322 सोफा है, और इसका स्पेस बाकी जनरल जो लास्ट सोफा देखा था उससे थोड़ा सा साइज ज्यादा लगता है इसके अंदर, अच्छा। क्योंकि फिलावट में सोफा, ठीक है ना। और प्लस एक बार आप आगे से देखिए, एक बार सामने से। हाँ सामने से फ्रंट से देखिए, पूरा स्ट्राइप्स का काम कर रखा है। प्लस इसके हाँ अंदर ये केसेस की स्ट्रिप डाल रखी है, और नीचे गोल्डन लेग्स हैं। वो भी अलग कुछ। बड़ा नीट एंड क्लीन सोफा है, मतलब इसके अंदर पोस्चर, आपने लास्ट सोफा में बैठने के लिए कहा था, बट इस पे मैं बैठ के दिखाता हूँ। मतलब इस पे पोस्चर जैसे मेरी हाइट है सर 6 फीट, उसके हिसाब से मतलब बड़ा कंफर्टेबल सेट है ये। जी, आम मतलब आम रेस्ट देखिए कितना आर्म अच्छा रेस्ट है। वगैरह ना, मतलब आप खुद भी प्रैक्टिकली बैठ कर देखेंगे ना, तो नो डाउट, मतलब मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है सोफा। आप डिटेलिंग में ज़्यादा काम करते हैं आप, पता है आपको, हाँ जी, आप फिनिशिंग डिटेलिंग में ज़्यादा काम करते हैं कि लगना चाहिए हाँ कुछ चीज़ बनी है, और आगे में लग रहा है कुछ हाँ जी, चीज़ हाँ जी, बनी हाँ है। जी। डिज़ाइन अनकॉमन डिज़ाइन है। अनकॉमन किस लिए? ऐसे सिमिलर मिल जाते हैं। सिमिलर बहुत डिजाइन है सिमिलर सर। में पता है क्या होता है, जैसे आपने ये स्लोप बताया आपने, ये हाँ जी, हाँ जी, उनका ये पार्ट, ये वाला पार्ट सीधा होता है। अब आपका देखिए क्या स्लोप है, ये पार्ट सीधा होता है सर, अब ये जो है ये सीधा जा रहा बाहर की होता तरफ है। देखिए ऐसे ये टेपर में हमारा जा रहा इतना है। हेल्दी, मैं ये बिल्कुल टेपर स्लोप कर रखा है, और हाँ एक भी सलवट नहीं है इसके अंदर, आप देखो हाँ मतलब एक भी ये रिंकल नहीं चीज है, नहीं है। बहुत अच्छा है। तो अब ये मेरा फेवरेट है, हाँ जी सर, इससे मैंने सिंपल सोफा कभी नहीं देखा। ये और ज्योमेट्री देखिए सर आप। पर इसके कुशन तो कुछ अलग ही है, मज़ा आ गया। हाँ अलग जी इसके कुशन की वजह से बताइए। सर, ये 3+2 2 में बनाया है हमने, और इसमें हमने PU फॉर्म लगा रखी है। प्लस इसके अंदर जो मतलब इस आर्म्स थोड़े से ना, जो रेगुलर हम आर्म्स बनाते हैं, कि उससे और स्लीक करने की कोशिश करिए। प्लस इसकी डेप्थ बढ़ाई है, सो देट आपको कंफर्ट थोड़ा सा स्लीक एंड कंफर्ट हो जाइए। ठीक है। हाँ और जी, मतलब डेप्थ का और ज़्यादा, वैसे डेप्थ थोड़ी सी 1 इंची एक्स्ट्रा बढ़वाई है हमने, जनरली ताकि क्या रहती है आपकी? जनरली सर हमारी अंदर अंदर की डेप्थ रहती है 23-24 इंची, अच्छा वो 27 कराई हमने, 27। 27 करवाई है। हाँ 27 बहुत ज़्यादा होती है। हाँ तो मतलब कस्टमर लाइक कर रहे हैं इसको, हाँ, हम जो इसको हैवी तीन होते चार हैं दिन आराम से बैठ सकते हाँ हैं इस हाँ पे, हैवी लोग। सर ऑल टाइम हाँ फेवरेट, मतलब इन्होंने इसका नाम भी अरमानी रखा हुआ है, अच्छा, अभी अरमानी सिंगल रखा। कलर में रखा हुआ है ये। अच्छा, हाँ, तो तो ये 3+2 में सर, क्योंकि अब इसमें देखो पीछे पूरा बैग भी है ना, मतलब आप देखो काम देखो, मतलब हर हाँ सोफे में बैग दिखा रहा हूँ जानकर, देख ये ठीक देखो है, देखिए क्या बात मोटाई है। देखो इसकी, मतलब हाँ और सर काम है, ऐसा नहीं है कि ये घुस घुस जाएगा अंदर, पाइपिंग है। ये पाइप, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपकी पाइपिंग लगती है पूरी SS। हाँ जी, ये सर नया लेटेस्ट पैड बनाया है, ये बहुत बड़ा सुंदर। ट्रेंडिंग है आजकल, तो इसमें एक अच्छी बात है, ये लेदराइट में बना हुआ है। हाँ जी लेदर मैक्सिमम वाला। आज हर कोई ये स्वेट लगा रहे, नॉन हाँ जी, स्वेट हाँ वाला जी, हाँ ये जी, फैब्रिक है, और ये ये सर सॉरी लेदराइट है। लेदर लेदराइट की इजी टू क्लीन होता है, आराम से साफ हो जाता है ये। सर, हमने इसमें क्या है, इतनी छोटी सी भी स्टिचिंग जो करा रखी है ना, ये भी मशीन पे करा रखी है, CNC पे, ये नहीं CNC अपनी पे। वैसे उस पे करा रखी है। आप इसको थोड़ा सा पास से दिखाओगे ना लेयर्स, तो आप एक बार इसमें फिनिशिंग देख कर आओ इसकी, मतलब पूरी डिटेलिंग और बड़ा नीट एंड क्लीन काम हो रखा है इसके अंदर। मैं कह रहा हूँ वो दूर से ही दिख रहा, पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए और क्या जिस लग रहा हिसाब है। से भी मैं इसकी आपको रेंज बताऊंगा ना, तो उस हिसाब से मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है सर। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आप बता रहे हैं। क्वालिटी की जब मैं बात करूंगा तो एक अभी कर ही लेते हैं ना, दिखा देंगे बॉक्स अभी, तो उसमें लगाते क्या आप? मैं इसका बॉक्स दिखवा देता हूँ आपको, हाँ हाँ जरूर ये बताइए। बॉक्स है सर हमारे बेड का, हाँ इसमें अब अंदर डिको कलर कैसा भी, लाइट या डार्क कैसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये अभी मीडियम ब्राउन है, इसमें डार्क कर सकते हो, ये ग्रे कलर भी कर सकते हो। हाँ अच्छा बॉक्स में आपको बता था दो क्वालिटी के, ठीक है। ये थोड़ा सा हैवी वाला है, इसमें ऊपर 18mm प्लाई है, नीचे 12mm प्लाई है, साइड में 14-19mm बोर्ड से कवर्ड है, उसके नीचे 7 लकड़ी की सपोर्ट है। ठीक है। इसमें जो रेगुलर वाला है उसमें 15mm, और नीचे 9mm है। अच्छा, अब ये डिजाइन्स मैंने आपके पास देखा, बहुत अलग रहते हैं, और मेरे अनकॉमन डिजाइन्स होते हैं अब आपके जैसे पास। सर ये वाला डिजाइन भी जो मैंने आपके सामने अभी रखा हुआ है, हाँ ये भी एक इंटरनेट का मॉडल था, तो मैंने अच्छा। उसको कस्टमर दिया था, मैं अभी आपको फोटो दिखाई देता हूँ, मैं एक बार व्यूअर्स को भी दिखा देता हूँ, ये वाला मॉडल था सर ये। ठीक है। अब आप इसके अंदर फिनिशिंग देखिए और लाइव फिनिशिंग देखिए, अब ये देखिए और सामने देखिए, एक बार बार कह रहा हूँ, ये देखिए। अब एक एक क्लियर। एक एक मिनट, इधर रखे, इधर करिए कैमरा थोड़ा बस। अब ये देखिए एक बार, और ये देखिए, मैं बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आप आराम से देख सके। ये देखिए अब इसका सेम। नीट एंड क्लीन पास आके भी देखोगे ना इसका हाँ व्यू, तो मतलब आपको डिटेलिंग दिखेगी। जी, सेम है ये, सेम। ये वो वाली बात नहीं है कि घोड़े को गधा बना दिया, ये घोड़े को घोड़ा ही बनाया उन्होंने, एकदम सेम डिट्टो बनाया आपने। तो ये ठीक है सर, नीट एंड क्लीन सॉफ्ट फॉर्म है, स्लीक फॉर्म लगी हुई है, ना ज्यादा मोटा बना रखा है ना कुछ कर रखा, बहुत अच्छा सी बेड है। ठीक है।
और ये बहुत अच्छी लग रही है पिंक वाली, इसका जल्दी से बता दीजिए। बनी हुई है इसलिए थोड़ा साइज भी इसका डिफरेंट है। अच्छा अच्छा छोटा बना थोड़ा, छोटा तो बना थोड़ा हुआ है हैवी होता है। ठीक हाँ है जी। एक ये बेड देखिए ठीक है। नॉन शेडेड स्वेट फैब्रिक में लगा हुआ है, रोज गोल्ड एसेस लगी हुई है इसके अंदर। हाँ हाँ एक ये चेस्टर वाला बेड देखिए सर, बहुत सी क्विल्ट की ये फिनिशिंग देखिए। हमेशा हाँ डिमांडिंग बेड रहा है हाँ हमारा। हाँ हाँ एक ये देखिए इसके अंदर मैं आपको पीछे ग्रे कलर और दिखाता हूँ इसका, इसकी फिनिशिंग बहुत एकदम अच्छी इक्वली फॉमिंग है है, पूरी पूरा। टफ्टिंग है, मतलब मैं पूरा दबा रहा हूँ फिर भी पीछे तक दब नहीं रही। हाँ नहीं उसका बटन नहीं दिख रहा कितना अंदर हाँ जा जी। रहा वो तो। एक ये देखिए सर चेस्टर, ठीक है कि ये वाला दो कलर आ गए। हाँ जी ठीक कलर है मेरे पास चार पांच कलर हमेशा चेस्टर में रेडी रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। ये वाला हाँ। बेड अब देख, हम हम बात करते हैं इस डिजाइन की। ये बहुत ये पूरा नहीं दिख रहा ना बस सोफे की वजह से। हाँ, अब आप सोफा कवर हो रहे हैं तो देख ही लो, अगर आपको एक मतलब ज्यादा हायर रेंज में नहीं जाना, नॉर्मल रेंज में सोफा देखना है तो ये भी मॉडल देख सकते हो, ये मॉडल से हमारे पास तो ऑन डिमांड हम रेडी करा देते हैं। अरे हाँ वाला ये देखिए ग्रीन देखिए मजा आ देखिए गया मॉडल देखिए सर, क्या सुन। ग्रीन कैसा भी। अब ये इसके स्टिच फैब्रिक ये है, स्टेज है ये स्टिच पास से फैब्रिक है। दिखा दूँ हाँ जी। पता लग जाएगा आपको। इसका अगर आपको प्लेन भी देखना है, एक प्लेन ऑप्शन वो रखा हुआ है पीछे, अच्छा तो मतलब वैरायटी आपको हर में एक दो पूरा मिलेंगे मेरे प्लेन पास। ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ जी। ये प्लेन आ गया वो स्ट्रेच था वो। ठीक है अब ये डिजाइन मैंने लास्ट में दिखाया था हाँ बहुत जी। ये वाला। और एक ये वाला बेड देखिए सर, ये भी नया बनाया हमने अभी। डिजाइन सर कुछ खास नहीं है, बट डिजाइन जो जिनका टेस्ट ऐसा है ना उनके लिए बहुत अच्छा है, नहीं बहुत ये मतलब ना डिफरेंट डिजाइन है सर। एक मतलब सीधा सीधा स्ट्रेट से डिफरेंट है, हाँ ये राउंड आ गया पूरे ये। फैब्रिक देखो इसकी, एक कर्विश नहीं एरिया तो देखो, मैंने लास्ट टाइम भी कहा स्टिचिंग था देखो, फैब्रिक कहा था ये अलग फैब्रिक है। ये कौन सा फैब्रिक है ये वाला स्वेड ही है सर बट इसमें टेक्सचर आते हैं अलग अलग, टेक्सचर्ड है। हाँ अनकॉमन फैब्रिक है थोड़ा सा, एक हाँ जैसे स्ट्रक्चर सभी लगाते हैं। ये देखो अब ये एम्ब्रॉयडरी वर्क आ गया हाँ जी। आप इसको एम्ब्रॉयडरी वर्क को भी कैसे भी अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही चाहिए, जैसा मर्जी कैसे भी चाहोगे। डिजाइन हाँ और जैसा जी मर्जी इनिशियल अपना कराना चाहता वो भी हो हाँ जी। जाएगा। इस बेड में इंक्लूसिव है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस बेड में कराते हो तो इसका एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसके पूरा कर्व होना ऊपर से, प्लस इसकी SSB ये स्ट्रिप, इतनी मोटी स्ट्रिप है सर, ठीक मतलब है सिक्स मतलब आप कह सकते हो MM में है स्ट्रिप ना, मतलब एक बारीक स्ट्रिप होती है वो नहीं है, हाँ पूरा हाँ SS का पीस लगा हुआ है, वो भी महंगा आता है, और स्टिचिंग हो रही है सारी कंप्यूटराइज, सब चीजें हैं सर, मतलब छोटी छोटी चीजें बढ़ के ना वो कॉस्ट ऐड हो जाती है ये प्रोडक्ट की। एम्बोस्ड है एकदम ये वाला। आप इसकी फॉर्म को प्रेस करके देखो सर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे फॉर्म की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है ये एम्बोस्ड है ये फैब्रिक ये हाँ बीच जी। वाला ये एम्बोस्ड है ये अच्छा लग करवाया रहा हुआ है है, फिर। किसी भी कलर में आप कस्टमाइज करा सकते हो। ठीक है ये क्या ये समझ नहीं आया मेरे को ये किसी ने सर कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवा रखा है अपना छोटा क्वीन साइज में। एकदम सिंपल हाँ सा। चॉइस होती है सर सबके, अपने उनको बल्की हाँ चाहिए हाँ था। हाँ अब इसके नीचे देखो फॉर्म कितनी हैवी है। हाँ वो दिख ही रही है सर हाँ कितनी भार तक फॉर्म आ रही है ये देखिए। ये सब कस्टमाइजेशन है, कैसा भी आप करवा सकते हो। मेरे को ये फैब्रिक बहुत पसंद आया था लास्ट टाइम हाँ जी। हाँ जी। ये वाला। हाँ ये बता रहे थे आप हाँ जी। ये सोफा देखिए, और ये ये बेड बेड। देखिए, बॉर्डर पे सर स्टिच फैब्रिक, ये स्टिचिंग करवा कर फैब्रिक लगा, ये स्टिच फैब्रिक नहीं है। अच्छा ये स्टिच हाँ जी। नहीं ये है। स्टिच करा कर फैब्रिक लगा रखे, बट इसके अंदर भी आप देखोगे बिल्कुल A to Z एक्यूरेट स्टिचिंग है, हाँ प्लस SS का एलिमेंट दे रखा है, ये रॉड है ये सर, रॉड है ये फैब्रिक रॉड है नहीं है। ये स्ट्रिप नहीं है ये, हाँ ये स्ट्रिप नहीं प्लस ये जो है। ये आप इसकी जो कुशनिंग भी हो रखी है कहीं से कम ज्यादा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट एक्यूरेट हो हाँ रखी है। मैंने वो टेक्निकल पता कर लिया। मैं फैक्ट्री हाँ जाता हूँ उन्होंने कहा था डबक कहते से तो एक भी डबक नहीं है। हाँ जी सर। मैं टेक्निकल पसंद करता हूँ बोलना तो जी एक भी डबक नहीं है हाँ जी। उसमें। वो आपके देखो हर बेड में क्योंकि आपके मेरे को कोई निकाल ही नहीं सकता। ये देखिए क्या फिनिशिंग है एक भी अनइवन या डबक जो मैंने मतलब बताया था आज वर्क की वो डेट में नहीं जो है। हमारे इंटीरियर डिजाइनर जितने भी हैं ज्यादातर जो हमारे से जुड़े हुए हाँ अच्छा हैं अच्छा जिस पर अभी हो रखा है वो उसमें उस पर कॉस्ट जैसे ऐड ऑन मर्जी है इनिशियल हमारी। करवा लो सेम डिजाइन सेम प्राइस रहेगा है ना। हाँ जी। अब मेरे एक ये को मॉडल देखिए सर आप, ये भी पहले सर तो सिंगल उससे पहले बेड चेयर भी नजर गया क्या बात है। पुराने जमाने की हवेली में नहीं होता था टाइगर ये पैटर्न में। कस्टमर ने हमारे को फैब्रिक ला कर दिया, उनका पीस रेडी हो रखा है, हाँ कल डिलीवर ये होना फर है। वाला डिजाइन है हाँ फर जी। वाला नहीं फैब्रिक है ये फर नहीं है प्रॉपर, ये टाइगर प्रिंट है। टाइगर प्रिंट तो है पर हाँ वो फर वाला लग रहा है पूरा ये। बट बनने के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब हाँ अभी इतना अच्छा लग रहा है ना पर ये जो अच्छा लगता है ना वो सोफे के पीछे आ जाता है। सर वो हाइलाइट करने के लिए इसको आगे लगा रखा है। हाँ पूरा वुडन वर्क आ गया हाँ और हाँ काफी बड़ा और साइज है नीचे तक वैसे। इसका मतलब जो ईयर भी है कान भी है जो नीचे तक है। हाँ बस अब ठीक जैसे ये भी एक पीस देखोगे, ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, छोटा एक बेडरूम एरिया के लिए, हाँ बैक पूरी प्रिंटेड है तीनों तरफ, और आगे बहुत कितने लिमिटेड क्विल्टिंग वर्क है। चेस्टर में देखो ये भी एक कलर अवेलेबल है। एक सर ये वाला बेड देखिए आप, ये हमने शायद पीछे दिखाया था ये वाला ये कौन सा वाला, हाँ ये वाला चेस्टर पहले देखा था है हमने, ना। चेस्टर वाला बेड, ये वाला बेड एक नया हमारे पास आया अभी, ये PU फिनिश के अंदर है सर, और इसमें यहाँ स्टिचिंग करा रखी है, यहाँ स्ट्राइप्स दे रखी है, ठीक है और कान थोड़े कर्विश बना रखे हैं, और पूरा सर ये देखोगे आप जूम करके पास से देखो पूरा टीक प्लाई लगा हुआ है इसके अंदर सब ना, अच्छा ये मतलब MDF नहीं ये लगाते हम, टीक प्लाई मतलब यहाँ से ये देखो, ये यहाँ से क्लियर आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा,
टीक प्लाई लगी हुई है हर बेड के अंदर, ठीक है। एमडीएफ वाला काम नहीं है कि एमडीएफ लगाया और कलर पोता और मतलब बस खाना रोटी कर दी, वो वाली बात है। अच्छा लग रहा, बहुत सिंपल। एक ये देखिए सर, मजेदार फिनिशिंग, टेपर में काम है, बहुत नीट एंड क्लीन बेड है सर। ठीक है, ये वाला इसकी पहले चौड़ाई क्या है इसकी? है सर ये अंदर अंदर बेड बॉक्स इसका 6 फुट का ही आएगा, आउटर एरिया मतलब 6.5 से 7.5 के बीच में कवर होता है। काफी बड़ा लग रहा है और ऊपर से ये टेपर है इसके कारण बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। हाँ, आज हम आपको ना एक छोटी सी हाईलाइट दे रहे हैं बेड्स की, सिर्फ अपने एक फुल फ्लेज रेंज में हम बेड्स की आएंगे बड़ी जल्दी विद इन अ वीक, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना सब हॉच वॉच हो रहा है, शादी का सीजन है और आपको पता ही है, तो उस चक्कर में बस ये देखिए, ये रही साइड टेबल्स, अब फिनिशिंग देखिए साइड टेबल्स की। जी सर बता दीजिए थोड़ा साइड टेबल्स के बारे में, बहुत अच्छी लग। सर ये कुछ मॉडल्स हैं जो थोड़े से महंगे पड़ते हैं, इस टाइप की होती है हमारी बेसिक, ठीक है, ये बेसिक सब मॉडल है हमारे बेसिक, ठीक है, ये ब्राउन वाला बेसिक आ गया हमारा। हाँ जी, अभी ये इसमें स्ट्रिप वगैरह नहीं लगा, अनफिनिश रखा हुआ है इस टाइप का मॉडल, बट नो डाउट बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट बनता है, प्यू पॉलिश है, प्यू पॉलिश में सर ये, ठीक है। कौन सी कंपनी की होती है? हाँ जी, कंपनी कौन सी होती है सर? एशियन वालों के लगाते हैं हम। अच्छा, हाँ जी, एशियन की। हाँ जी, यहाँ पे अच्छा इस तरीके से अंदर डिको पेंट होता है, कैसे भी कलर में कस्टमाइज करा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बेड भी दिखा दिए, सोफा भी दिखा दिए। हाँ जी, अब जल्दी से ना एक इन चेयर्स और इस बेड की बात कर लेते हैं। सर अभी पहले इस बेड की बात करते हैं, ये क्वीन साइज का बेड है, कस्टमाइज किसी कस्टमर ने बनवा रखा है ऑर्डर पे, इसको आप किंग साइज बनाओ चाहे क्वीन साइज बनाओ रेट एक ही है। अच्छा, हाँ, किंग साइज और क्वीन साइज का एक ही रेट होता है। अच्छा, सेम है, सेम होता है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, कुछ कुछ ना क्वीन के थोड़ा कम करते हैं, किंग के और तो जन जो लेते हैं लेते हैं, ठीक है। तो अभी ये वाली चेयर्स की बात करते हैं, दूर से दिखा रहे थे। हाँ जी, तो इसके बाद बड़ी अच्छी लगी।